सभा की, मेयर भी रही, अभी आपकी सांसद लापता सांसद के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझते हो कि वो संसद में रहती होगी, संसद में भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, मालूम नहीं है कहां पर, हमें नहीं मालूम है कहां। मगर सरोज बहन को चुनकर देखो, आप परेशान हो जाओगे कि हर बार गांव में क्यों आ जाती है, इतनी बार आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसले मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं। मुझे बताओ कि कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं सुनाई पड़ता भाई मुझे, जोर से बोलो है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ वालों को, कोरबा वालों को कश्मीर से क्या लेन देन? खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, कोरबा का मेरा बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने। कोरबा वालों मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह गोदी में खिलाती रही, उनको वोट मिलते थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाई और बहनों, 70 साल के बाद हमारे कश्मीर में भारत का तिरंगा बड़ी शान के साथ लहरा रहा। भाई और बहनों, जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, फिर राहुल बाबा खड़े हो गए और कहे धारा 370 मत हटाओ। मैंने बोला क्यों ना हटाए भाई, क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को हमेशा के लिए समाप्त। कोरबा वालों, एक कांग्रेस पार्टी का एक सूत्र है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, सार्वजनिक रूप से बोलो और बार बार बोलो। वो कहते हैं मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा देंगे। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कोरबा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है, मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाएंगे। बहुमत का उपयोग क्या किया? 370 हटाने के लिए किया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए किया, सीए लाने के लिए किया, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया। और अब यहां सरकार दी, बहुमत का सरकार का उपयोग नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। नक्सलवाद, भाई और बहनों, मैं आज एक मोदी का गारंटी देने आया हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद भारत की संसद में है, एसटी एससी और ओबीसी के आरक्षण को ना हम हटाएंगे ना कांग्रेस पार्टी को हटाने देंगे। ये मोदी का गारंटी है। ये झूठ फैलाते भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति के कल्याण के लिए, आदिवासियों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। कांग्रेस के जमाने में आदिवासी कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के तहत एक छोटे से ज्वाइंट सेक्रेटरी का कार्यालय था। अटल जी प्रधानमंत्री बने,
उन्होंने आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स बनाया और नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम नरेंद्र मोदी ने 70 साल तक 55 साल सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी कभी आदिवासी बेटा या बेटी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर आदिवासियों का सम्मान किया। ये कांग्रेस पार्टी आदिवासी कल्याण का उनका बजट 2013-14 में 28,000 करोड़ था। कितना था भाई, बोलो जरा, अरे जोर से बोलो। मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 1,28,000 करोड़ करने का